यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन आपका आया था एमपी बोर्ड आज 12th क्लास हिंदी का एग्जाम हुआ है 6 फरवरी को। तो पूर्ण विभाग के सुरेश कुमार में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया था चूर्ण बेचने का काम कौन करता था, तो कौन करता था, भगत जी करते थे। अगला यहाँ पे नेवे सुंदरकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, मराठी पढ़ाते थे। मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपा शब्द कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखो भारत में पहला छापखाना गोवा में कब खुला, तो 1556 में खुला था। अगला है सगुण भक्ति धारा कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे अर्थ अलंकार होता है। अगर बात करते हैं कृष्ण की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में जो है नेट पात्रिकता का शुरुआत किस साथ हुई थी, तो ये वेब दुनिया के साथ हुई थी। अगला देख पर कवि जग जीवन का लिए फिरता है, क्या फिरता है, बाहर के लिए फिरता है। अगला जहां उपमेय को उपमान बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पे वैतृक अलंकार होता है। अगला मुक्ति बोध उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो जिनेंद्र कुमार है। अगला देख पर योजना के आधार पर वाक्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा गया है। अगला देख पर आनंद यादव का मन कहाँ जाने के लिए तड़पता है, तो पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, तो ऑप्शन नंबर ये पाठशाला वाला सही हो जाएगा। अगला सत्य सत्य वाला क्वेश्चन है भक्ति द्रविड़ भारतीय रचना है या नहीं, तो नहीं है, पहला असत्य हो जाएगा। संभवतः जो है यहाँ पे बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, बिल्कुल गलत बात है ये, तो मतलब एक संभवतः की बात की गई है ना। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, तो बिल्कुल सत्य कथन है। रेडियो सर्वे माध्यम बिल्कुल सही कथन है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। शब्द गुणों में की संख्या 3 होती है, बिल्कुल ये भी कथन सत्य, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देख पा रहे हो अतंग साक्षात्कार क्या हो जाएगा, आपका डायरी हो जाएगा यहाँ पे देख पा रहे हो। और हरीश बच्चन क्या हो जाएगा, आपका हालावाद हो जाएगा। और प्रगतिवाद क्या हो जाएगा, आपका 1937 हो जाएगा। और यशोधरा क्या हो जाएगा, यशोधरा आपका हो जाएगा खंड काव्य हो जाएगा। और कथानक क्या हो जाएगा, कथानक आपका हो जाएगा कहानी हो जाएगा। संस्कृत के मूल शब्द क्या हो जाएगा, संस्कृत के मूल शब्द होते दत्सम। यशोधर बाबू क्या हो जाएगा, आपका सिल्वर वेडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होते हैं। अब देख लेते हैं आपके जो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देने थे। पहलवान लूटन सिंह के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। और बार बार बचना मुहावरे का क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब आप सभी के लिए जैसे कि मुसीबत से बचना हो गया, या फिर आपका मोहन जोदड़ो, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा, ठीक है, मुसीबत से बचना। तीसरा क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहन जोदड़ो था। आमतौर पर जो है यहाँ पे लिखा हुआ कितने घंटे की होती है, आमतौर पर जो यहाँ पे रेडियो नाटक है वो पूछा गया कितने घंटे की होती है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करना है। लगभग 15 से 30 मिनट की होती है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है किसकी रचना है, ये आपका क्वेश्चन था। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है, द्रविड़ भारती का है। ओके अगला देख पाए शांत स्थान रस के स्थान स्थाई भाव का नाम लिखिए, तो क्या होता है, वो होता है आपका निर्वेद। अगला है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, तो दुनिया रोज बनती है। तो इस प्रकार सारे आंसर होते हैं, ये सारे आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश का पेपर इसी चैनल पर मिलने वाला है।